दोस्तों, अपने आप को स्लिम फिट दिखाने की चाह में लोग कितने तरीके अपनाते हैं, जैसे डाइटिंग, दवाइयाँ, जिम में घंटों कसरत करना आदि, पर ये बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। जो कोशिशें हम कर रहे हैं वो हमारे शरीर को फिट बनाने के बजाय नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। बहुत से लोग मॉडल बनने की चाह में वजन घटाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है एक लड़की के साथ, जो मॉडल बनने की चाह रखती थी और अपने फिगर को जीरो साइज में लाने के चक्कर में अब अपने शरीर को कंकाल बना चुकी है। डॉक्टर्स की माने तो अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि चाहकर भी ये अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते। 39 साल की वेलेरिया लेविटिन पहले काफी हेल्दी हुआ करती थी, लेकिन किशोरावस्था में किसी ने उन्हें यह ताना मार दिया कि वह मोटी है और कभी अच्छी मॉडल नहीं बन सकती है। जिसके बाद वेलेरिया लेविटिन ने अपनी डाइट को कम कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि वो जरूरत से ज्यादा पतली हो गई। मॉडल वेलेरिया ने काफी समय तक डाइटिंग की और अपने शरीर को दुबला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि उन्हें भूख लगनी बंद हो गई और जब उन्होंने डॉक्टरों से सलाह ली तब उनके होश उड़ गए। उनके डॉक्टर ने बताया कि मॉडल बनने का सपना रखने वाली वेलेरिया को ऑनोरेक्सिक नाम की बीमारी हो गई, जिस वजह से वो जरूरत से ज्यादा पतली होती जा रही है। इस वक्त वेलेरिया का वजन मात्र 25 किलोग्राम रह गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बीमारी के शिकार अक्सर वो लोग होते हैं जो लोग अपनी भूख को मार देते हैं। इसलिए डाइटिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे शरीर को पोषक तत्वों की कमी न हो पाए अथवा इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप खाना ही छोड़ दें। वजन को कम करने के लिए ऐसे भोजन से दूर रहें जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। हमारी सलाह है कि अगर आप भी अपना वजन कम करने के लिए डाइटिंग आदि करते हैं तो हेल्थ जानकारों से या डॉक्टरों से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।